नमस्कार, दिन की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की खबर जुड़ी है एक्टिविस्ट और वकील प्रशांत भूषण से। पिछले 2 महीने से खुद को निर्दोष और कोर्ट से किसी कीमत पर माफी ना मांगने की बात कहते आ रहे प्रशांत ने आज खुद को दोषी मान लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 1 रुपए वाली सांकेतिक सजा को भी स्वीकार कर लिया, जिसके एवज में वो 3 महीने की कैद की सजा से बच गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण और कोर्ट की अवमानना से जुड़े उस मामले का पटाक्षेप किया जो पिछले 2 महीने से लगातार चला आ रहा है। कोर्ट ने माना कि ये संविधान के अनुच्छेद 129 के खिलाफ है। अनुच्छेद 129 जो संविधान के 90वें भाग में, जिसका नाम है संघ की न्यायपालिका, उससे जुड़ा है, जिसमें लिखा है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। साथ ही ऐसे न्यायालय की अन्य सभी शक्तियां भी उसमें निहित होंगी। इसी संवैधानिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले का दोषी मानते हुए उन्हें सांकेतिक जुर्माना भरने का आदेश दिया। सांकेतिक इसलिए कि जुर्माने की राशि रखी गई 1 रुपया, जिसे प्रशांत भूषण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे केस की सुनवाई के दौरान प्रशांत इस बात पर अड़े रहे थे कि उन्होंने किसी भी तरह कोर्ट की अवमानना नहीं की है। इस दौरान वो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर गांधी जी द्वारा जो वक्तव्य दिए गए थे उन्हें दोहराते भी दिखे। इस पूरे प्रकरण में प्रशांत खुद को देश में घट रही किसी आभासी गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजाद कराने और लिबरल वामपंथी क्रांति वाले किसी आंदोलन को लीड करते महसूस हुए। खैर, आज अपनी इस द्विमासिक क्रांति को उन्होंने समेटते हुए कोर्ट की सांकेतिक सजा को स्वीकार कर लिया और अपने मित्र और वकील राजीव धवन से 1 रुपये की सहायता लेकर उसे कोर्ट में जमा कर दिया। मित्र राजीव धवन ने भी पिछले दिनों राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष के वकील की भूमिका में काफी नाम कमाया था। इस सजा के बाद ट्विटर के खबरिया बाजार में एक बार फिर से रौनक आ गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत भी वहीं से हुई, ट्विटर से, जब 2014 से देश की आवाम और संस्थाओं से नाराज चल रहे प्रशांत ने 27 जून को एक ट्वीट करते हुए उसमें कोर्ट को नाप दिया। उन्होंने लिखा था, जब भविष्य में इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखते हैं तो पाएंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र को कैसे नष्ट किया गया है। विशेष रूप से इस विनाश में वे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे। इससे भी विशेष रूप से वो पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका को चिन्हित करेंगे। उसके 2 रोज बाद उन्होंने 29 जून को सीधे सीधे वर्तमान CJI बोबड़े पर हमला बोलते हुए लिखा कि CJI ने बिना मास्क या हेलमेट पहने नागपुर में एक भाजपा नेता की 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की सवारी की। उन्होंने ऐसे समय यह सवारी की जब यह सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड पर रखते हैं और नागरिकों को न्याय पाने के उसे उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। फिर 9 जुलाई को एक वकील मिहिक माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर प्रशांत भूषण के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और बीती 22 जुलाई को कोर्ट ने अवमानना को लेकर प्रशांत को नोटिस भेजा। 2 अगस्त को प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान प्रशांत ने महात्मा गांधी के उन वक्तव्यों को कोट किया जो उन्होंने अब से 100 साल पहले कोर्ट के समक्ष प्रयोग किए गए। प्रशांत ने कहा था कि मैं दया की भीख नहीं मांगता हूँ और न ही मैं आपसे उदारता की अपील करता हूँ। मैं यहाँ किसी भी सजा को सिरोधारी करने के लिए आया हूँ जो मुझे उस बात के लिए दी जाएगी जिसे कोर्ट ने अपराध माना है, जबकि वह मेरी नज़र में गलत नहीं बल्कि नागरिकों के प्रति मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। पीड़ा है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जयजयकार के रूप में नहीं बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। इन पंक्तियों के बाद पूरा लेफ्ट बुद्धिजीवी वर्ग प्रशांत की वाहवाही और मुखर समर्थन में उतर आया। इस समर्थक वर्ग ने प्रशांत में महात्मा गांधी को देखा और साथ ही ब्रिटिश राज और जनरल डायर को भी ढूंढ निकाला। इन सब में उन्होंने नेहरू और अम्बेडकर द्वारा कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए निर्मित संविधान के अनुच्छेद 129 की धज्जियां उड़ाई। मजे की बात तो ये रही कि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गैंग में वो सब लोग शामिल थे जिन्होंने दिल्ली दंगों पर लिखी गई पुस्तक को छपने से रोकने की हर संभव कोशिश की थी। बहरहाल कोर्ट ने भूषण को दोषी ठहराते हुए अपने फैसले में कहा, भारतीय न्यायपालिका महज न्यायपालिका ही नहीं बल्कि वह केंद्रीय स्तंभ है जिस पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है।
संवैधानिक लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाली किसी भी कोशिश के साथ बेहद सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इस ट्वीट से भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ की बुनियाद को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। हालांकि इन सब में केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से अपील की कि प्रशांत भूषण को माफ कर दिया जाए, पर कोर्ट ने विषय पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए प्रशांत को दोषी माना। आज प्रशांत को कोर्ट ने सजा दी, जिस पर अब तक माफी ना मांगने को लेकर अड़े प्रशांत ने स्वीकार कर लिया। मतलब साफ है कि प्रशांत ने खुद को दोषी मानते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया और जुर्माना भी भरा है। अब आपको इस निर्णय की कुछ विजयी व्याख्याएं लगातार नजर आने वाली हैं। खैर, ऐसी सजा पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो TFP न्यूज़ को सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करिएगा। TFP न्यूज़ को आपका प्यार लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया।